माता के, भारत माता के वंदे वंदे नरेंद्र मोदी। ये बताना, ये तिरहाना की भूमि, ये मेवात की भूमि, ये पवित्र भूमि है, इसको मैं नमन करता हूं। मुझे गर्व होता है आप लोगों को बताते हुए कि इस मेवात की इस पवित्र भूमि पर एक ऐसा वतन प्रस्त राजा हसन खां मेवाती जिसने इस पवित्र भूमि के ऊपर जन्म लिया। और मुझे ये बताते हुए एक गर्व भी हो रहा है कि ऐसे राजा हसन खां मेवाती जिसने मुगल शासक बाबर को कभी मात नहीं दी, अपने 12,000 लोगों के साथ मिलकर के उसको यहाँ से भगाने का काम अगर किसी ने किया, वो राजा हसन खां मेवाती। ऐसे वतन प्रस्त यहाँ के क्रांतिकारी भी जिन्होंने इस पवित्र भूमि को जन्म लिया। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि आज तक किसी सरकार ने उसके बारे में विचार भी नहीं किया। अगर किसी ने विचार किया तो मोहनलाल जी थे पिछले दिनों यहीं बड़खली चौक के ऊपर उसके शहीदी दिवस को मनाने का मौका भी आज हमें प्राप्त हुआ। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को, उस क्रांतिकारी वीर को जिसने इस देश की एकता के अंदर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान हुए, ऐसे हसन खां मेवाती को मैं नमन करता हूँ। भाइयों मुझे खुशी है बताते हुए इन 10 वर्षों में मेवात ने एक नई विकास की करवट ली। मैं ये भी देखता हूँ कि पूर्व की सरकारों ने लंबे समय तक इस मेवात को एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। वोट तो लेते थे, इस प्रकार के झूठे वादे करके लोगों के अंदर भय पैदा कर वोट लेने का काम करते थे, परंतु विकास नाम की चीज यहाँ पर दिखाई नहीं देती थी। लोग विकास से भाइयों दूर दूर लगते। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और भारतीय जनता पार्टी मनोहरलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार में पिछले 10 और 9.5 वर्षों के अंदर मेवात को एक विकास की नई दिशा के साथ जोड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया। भाइयों मुझे खुशी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की चिंता की है। कांग्रेस के लोग तो भाइयों इसको एक वोट बैंक के रूप में उपयोग करते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने चिंता करते हुए मेवात को स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के अंदर शामिल करके आकांक्षी जिला में शामिल करके ये पिछड़ा की ये अगड़ा होना चाहिए और उसके लिए हमारी सरकार ने लगातार इसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और देखते ही देखते ही 10 वर्षों में मेवात विकास की एक नई दिशा के ऊपर आगे बढ़ा है। चाहे यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे यहाँ रोड्स की बात हो, चाहे यहाँ इंडस्ट्री नई इंडस्ट्री लाने की बात हो, चाहे यहाँ पर एजुकेशन संस्थान खोलने की बात हो, भाइयों आप लोगों को मुझे बताते हुए ये बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता के अंदर रही और उसने यहाँ पर यहाँ के लोगों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। मैं देखता हूँ 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भाइयों यहाँ पर मात्र मुंह के अंदर 22 स्कूल मात्र थे, परंतु देखते ही देखते 10 वर्षों के अंदर इस मेवात में भाइयों 117 स्कूल लोग बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है यार मेवात में 48% ज्यादा वृद्धि एजुकेशन के अंदर ये नीति आयोग ने अपनी सर्वे की रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट किया है कि मेवात जैसा पिछड़ा क्षेत्र उसको शिक्षा के अंदर अग्रणी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमिल की सरकार ने किया।
भाइयों, यह सरकार काम करने वाली सरकार है। कांग्रेस ने तो झूठे नारे लेकर के और लोगों को बरगला करके भाइयों वोट लेने का काम किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, ऐसे लोगों से दूसरे को भी बचाना चाहिए। ये लोग झूठ बोल करके वोट ले लेते हैं, फिर उनके हालात को छोड़ देते हैं। अभी राहुल गांधी साहब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एकजुट पहले उसने राजस्थान के अंदर बोला था, जब पिछला 2000 पीछे विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के अंदर किसानों के बीच में जा करके एक जनसभा के मंच के ऊपर जा करके बोल दिया कि आप हमें वोट दो, हम कर्जा माफ करेंगे। भाइयों, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ और उसका दुष्परिणाम वो राजस्थान के किसानों को भुगतना पड़ा। आपके पड़ोस में है, आप सब इस बात को जानते हैं। भाइयों, जो उन्होंने झूठ बोला उसका दुष्परिणाम ये निकला कि 4,500 किसानों ने राजस्थान के अंदर आत्महत्या की और 16,500 किसानों की जमीन कुर्क कर दी गई। ये उनके झूठ का परिणाम निकला, परंतु उसकी एवज के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को मजबूती की ओर ले जाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम, उसको मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, इस बात को हमें समझना चाहिए कि अपनी सरकार काम करने वाली कौन सी सरकार है। मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड जैसी योजना दी, व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेवाड़ के अंदर लगभग जो आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड हमारी सरकार ने दिए हैं, इसके माध्यम से यहाँ पर लगभग जो कार्ड बने हैं उन कार्ड के माध्यम से जिन लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है, लगभग 70 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए सरकार ने मेवात जिला के अंदर देने का काम किया है। भाइयों, ये अगर व्यवस्था कोई करता है, गरीब व्यक्ति को संबल देने का काम करता है, कांग्रेस के समय के अंदर भाइयों व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, अगर उसको ये मालूम पड़ता था कि इसे कोई दुर्घटना में गंभीर बीमारी है, बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड दे करके 26,643 लोगों को भाइयों इसका लाभ पहुंचाने का काम किया। यह खुशी है इस बात की कि व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम, उसको गरीबी से बाहर निकालने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भाइयों, और उसके साथ साथ किसानों को भी उनके फसल का मुआवजा देने का काम भी हमारी सरकार ने एक बड़े दर्जे के ऊपर आकर के किसानों तक पहुंचाने का काम किया। भाइयों, हम आप लोगों से मैं ये अपील करने के लिए आया हूँ, जाइए मिलकर के यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दे करके आपके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, मेरे आप लोगों से आग्रह है कि इस विकास की गति को भारतीय जनता पार्टी रुकने नहीं देगी। जो भी हमारे नेतागण मंच के ऊपर बैठे हैं, कभी भी ये काम लेकर के हमारे पास आएंगे, आप कमल का फूल खिलाइए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस विकास की गति को जो नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने इस गति को आगे बढ़ाया था, इस गति को और तेज करने का काम ये हमारा है। इसको हम कहीं रुकने नहीं देंगे, इस विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी निवास के लिए जो भी जरूरत की सुविधाओं की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी है। और भाइयों, हम मिल करके यहाँ से कमल का फूल खिलाए, इसी की बात में ना आए, नहीं तो लोग झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं, फिर उनको उसके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। भाइयों, ये लोग बोलते हैं, अभी राहुल गांधी साहब बोलते हैं कि मैं 1 घंटे के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ऐसे ऐसे ये बातें ये बोलते हैं जिससे कि लोगों को भाइयों बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं, परंतु मैं आज उन्हाना की सरदारी के बीच में खड़ा हूँ, एक बात उनको कहता हूँ,
कि आपकी दादी 1970 के दशक में उसने एक बात कही थी कि मैं गरीबी हटाऊं की गरीबी हटाओ का नारा दिया था, परंतु आज तक गरीबी नहीं हटी। और उनके पिताजी ने, राहुल गांधी के पिताजी ने दिल्ली में बैठ करके कहा था, मैं 1 रुपया भेजता हूँ, तुम्हारे में 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे कहाँ चले जाते थे, कौन से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे, कौन से विकास के ऊपर खर्च होने थे, कौन सी गरीब व्यक्ति की सुविधा पर खर्च होने थे, इसकी चिंता नहीं थी। नरेंद्र मोदी की सरकार और डबल इंजन की सरकार 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं, 1.25 रुपया करके इसको मैं बात के बेनिफिट के लिए खर्च करने का काम ये हमारी सरकार करती है। भाइयों, आप लोगों से हम एक अपील करना चाहेंगे कि एक एक वोट आप कमल के बटन को दबाइए। यहाँ पर कमल का बटन दबेगा, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास वो ताकत पहुंचेगी, और जब वो ताकत पहुंचेगी ये देश विकास की और गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। ये हमारा मेवात भी ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। जितने भी काम को आप हमारे ध्यान में लगाएंगे, 4 तारीख के बाद हम सब कामों को भी हम पूरा करने का कार्य करेंगे। भाइयों, जो भी हमारे नेतागण हमें बताएंगे यहाँ की ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आइए मिल करके एक एक वोट कमल के बटन का दबा करके राम इंद्रजीत जी को यहाँ से सबसे बड़े बहुमत से जता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। आज मैं हरियाणा के एक एक कोने के अंदर जा रहा हूँ, आज एक आवाज आ रही है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मंडल के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सब का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।